Good morning, students. Myself, Kritika. I'm lecturer at EC department in Meherchand Polytechnic College, Jalandhar. Before starting our lecture, I would like to give you some of the instructions under Mission Fateh to make ourselves safe and aware from this COVID-19 disease. That is, wear mask, maintain social distance, and frequently wash your hands. I hope you all are safe at your home place and enjoying this video lectures. Well, our today topic is repulsion type moving iron instrument. Last lecture में हमने attraction type moving iron instrument किया था. आज हम repulsion type moving iron instrument के बारे में पढ़ेंगे. ये है हमारा repulsion type moving iron instrument का diagram. पहले मैं आपको इसकी construction समझा देती हूँ. ये जो आपको दिख रहा है सी शेप में, दिस इज आर सिलेंड्रिकल कॉइल. इसके ऊपर हमारी कॉइल है और ये जो दो पीसेस आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों आयरन वेन हैं. आयरन के दोनों पीसेस हैं. ये जो सेंटर वाला है, दिस वन इज मूविंग, और ये बाहर वाला जो है ये फिक्स्ड है. सो ये एक स्ट्रिंग है जिसपे, या एक पोल है, यू कैन से मूविंग पोल है, जिसके ऊपर हमारा पॉइंटर अटैच है, और ये हमारा स्प्रिंग है. सो यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे ये दो लीड से, और ये हमारी सिलेंड्रिकल कॉइल है. सो ये हमारी इस रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन है. अब हम वर्किंग पे आते हैं. ये दो लीड से जब हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस कॉइल को प्रोवाइड होगा. जैसे ही इस कॉइल में से इलेक्ट्रिकल करंट पास होगा, साथ में ही ये कॉइल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगी. इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलनी शुरू हो जाएगी या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी. अब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से क्या होगा, ये जो मूविंग आयरन है सेंटर वाला, ये और ये जो हमारा फिक्स्ड आयरन है, ये दोनों जो हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और बेसिकली ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे. तो ये है हमारी मूविंग आयरन वेन, ये है हमारी फिक्स्ड आयरन वेन. तो जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वैसे वैसे ही हमारा आयरन जो है, क्योंकि ये दोनों मैग्नेटाइज हो चुके हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुए हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो रिपेल जब करेंगे, तो ये तो फिक्स्ड आयरन वेन है, ये तो यहाँ अपनी जगह से हिल नहीं सकता. तो ये जो मूविंग आयरन वेन है, ये अपनी पोजीशन से मूव करना स्टार्ट कर देगा. ये इस आयरन को रिपेल करेगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और सेम मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण, सेम पोल होने के कारण, ये दोनों आयरन वेन एक दूसरे को रिपेल करेंगे. और जब ये रिपेल करेंगे, तो ये रोटेट करेगा, और जब ये रोटेट करेगा, तो ये पोल भी रोटेट होगा. जब ये पोल रोटेट होगा, तो हमारा पॉइंटर जो है वो अपनी पोजीशन से मूव करके स्केल के ऊपर रीडिंग शो करेगा, और पॉइंटर भी मूव होगा. अब पॉइंटर मूव हो रहा है, तो अगेन यहाँ पे तीन तरह के टॉर्क लगेंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क. वो तीनों टॉर्क की जो डेफिनेशन है वो सेम है जैसे अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में थी. आई होप आपको इसकी वर्किंग क्लियर हुई होगी. हम आगे देखते हैं. कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर दो आयरन लगे हुए हैं. कर्व्ड आयरन सॉफ्ट आयरन पीस है, और दूसरा जो है वो फिक्स्ड है. अनदर कर्व्ड आयरन जो है वो स्पिंडल के साथ अटैच है. हम इसकी बात कर रहे हैं, ये स्पिंडल के साथ अटैच है और ये फिक्स्ड है. द टू आयरन लाइन मैग्नेटिक फील्ड, दोनों आयरन को हमने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया है. जैसे ही हम कॉइल को करंट पास करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और जब इसमें कोई करंट नहीं होगा, तो दोनों अपनी अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेंगे. अब दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो क्या हो रहा है, हमारा जो पॉइंटर है वो अपनी जीरो पोजीशन पे है. जब कोई करंट नहीं पास किया, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो वो एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे, और हमारा पॉइंटर जीरो पोजीशन पे है. अब काम कैसे करेगा, जैसे ही हम करंट देंगे, करंट प्रोवाइड करेंगे अपने आयरन पीस को, सॉरी कॉइल को, तो कॉइल में से हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी. उसके कारण क्या होगा,
मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी सॉलिनॉइड के आसपास। सॉलिनॉइड क्या है? जो जिसके ऊपर हमने कॉइल को रैप किया हुआ है, ये सॉलिनॉइड है। तो इसके आसपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस हो जाएगी तो दोनों आयरन जो है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे, लेकिन सेम डायरेक्शन में। अब सेम डायरेक्शन में जब हमारे दो पीस मैग्नेटाइज्ड होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वहाँ रिपल्सिव फोर्स लगेगा जो क्या करेगा कि हमारे मूविंग आयरन वाला जो पीस है वो फिक्स्ड आयरन वाले पीस को रिपेल करना शुरू कर देगा। और रिपेल करेगा तो मूविंग आयरन पीस मूव करेगा, जब वो मूव करेगा तो पॉइंटर भी मूव करेगा। अब पॉइंटर मूव कर रहा है तो वो डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट करने का मतलब वो जीरो पोजीशन से हिल जाएगा, दैट मींस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग गया। अब एक इक्विलिब्रियम स्टेज आएगी जहाँ पे हमारा कंट्रोलिंग फोर्स लगेगा, जहाँ पे जाके हमारे स्केल रीडिंग लेगा, तो वहाँ पे भी कंट्रोलिंग टॉर्क लग जाएगा। और तीसरा, उसको स्टेबल करने के लिए स्केल के ऊपर हमारा डैम्पिंग टॉर्क लगता है। अब हम बात करते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के एडवांटेजेस क्या हैं। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हम एसी और डीसी सर्किट्स को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है, इसमें अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट और रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट दोनों की बात हो रही है। ये इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी सर्किट को मेजर करने के लिए यूज होता है। और ये दीज पार्ट्स आर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। स्टेशनरी पार्ट जो हैं वो भी बहुत सिंपल हैं। ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स लेस कॉस्टली होते हैं और इनकी ऑपरेटिंग टॉर्क जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स कैन विदस्टैंड ओवरलोड मोमेंटेरली। जो ओवरलोड की प्रॉब्लम है वो इस इंस्ट्रूमेंट में नहीं आती, ये इंस्ट्रूमेंट ओवरलोड की प्रॉब्लम को भी ओवरकम कर देता है। देन आते हैं डिसएडवांटेज क्या है। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका जो स्केल है दैट इज नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर और लीनियर कौन से होते हैं, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था इस चैप्टर के, तो इसका स्केल इंस्ट्रूमेंट का नॉन लीनियर है। पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो हमारे स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है वो भी डिक्रीज हो जाती है, हमारा स्प्रिंग जो है वो लूज होना शुरू हो जाता है और हमारे हिस्टेरेसिस लॉसेस आने के चांसेस हैं हमारे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स में। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारे कई जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं या जो कई हमारे पार्ट्स हैं उनमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। चेंज इन फ्रिक्वेंसी एंड इन वेव फॉर्म कॉजेज सीरियस एरर इन एसी मेजरमेंट। अगर हम एसी मेजरमेंट कर रहे हैं तो अगर हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है या वेव फॉर्म चेंज हो रही है उसके कारण कुछ सीरियस एरर्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर रीडिंग नहीं शो करता। सो दीज आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर है। कोई भी डाउट है तो हम अपने लाइव लेक्चर में या ऑनलाइन लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। Thank you so much for watching this video.